Good morning to all. I'm sorry for the late. Am I audible? Is someone informed in the chat box? Okay. So in the previous class, I have discussed this problem. That is how to generate the language from a given context-free grammar. So today we will discuss how to generate grammar for a given language, right? So clear up to this topic? These are clear? Now, I think I have discussed this also in the previous class. Please someone inform me in the chat box. Did I complete this question in the previous class? Please inform me in the chat box. Did I complete this question in the previous class? Okay. And this one? Ravi Pratap, this one? Okay, so again I will discuss this one and I will start from this. The second question is, design a CFG for the language over the alphabet 01 star, where each string, or where the length of each string is even, and that is palindrome. W equal to WR matlab, jo bhi string hoga, uska reverse bhi koi same string aega. Theek hai? In the previous class, we have solved some questions to generate language from a given grammar. In that case, we have seen that to generate some palindrome strings, क्या कर देते हम? मतलब जब भी हम कोई मतलब insert कर रहे थे, इस type से मतलब productions को insert कर रहे थे, जैसे एक middle में एक variable लेता था, and left में एक terminal लेता था, right में भी वही same terminal देता था, जैसे like as a और यू कैन से बीएसबी. मतलब जब भी हम कोई मतलब डिराइव करते जाएंगे, मतलब लेफ्ट में जो आएगा राइट में भी वही आएगा.
तभी क्या होगा, पैलिंड्रम होगा। कैसे? अब जैसे देखो ए एस बी डाल दिया मैंने, ये तो पैलिंड्रम है ऑब्वियसली, बीच में नल डालेंगे या फिर डिपेंडिंग अपॉन लेंथ। सिमिलरली अगर मान लो बी एस बी होगा, मतलब क्या होगा, यहाँ पे बी आएगा देन बीच में एस रहेगा, राइट में ए आएगा, ऐसा है। तो यहाँ पे देख सकते हो अगर लेफ्ट में एंड राइट में सेम टर्मिनल है, मिडिल में वेरिएबल है जिसके हम रिप्लेस करते जा रहे हैं, देन दैट विल जनरेट पैलिंड्रम। एंड वो लेंथ, वो पैलिंड्रम का लेंथ इवन या और है, वो कैसे डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड अपॉन हाउ यू टर्मिनेट द मिडिल वेरिएबल। रिमेंबर, हमेशा याद रखना जब भी हम टर्मिनल की बात करेंगे, जब प्रोडक्शंस विल लुक लाइक, लेफ्ट हैंड साइड में एक टर्मिनल होगा, राइट हैंड साइड में सेम टर्मिनल होगा, मिडिल में एक वेरिएबल होगा, ठीक। फिर अगर वो इवन लेंथ है या ऑड लेंथ है, वो कैसे पता चलेगा, दैट सोली डिपेंड्स ऑन द मिडिल वेरिएबल, दैट मींस हाउ यू टर्मिनेट द मिडिल वेरिएबल। अब देखो अगर इसके जगह पे मैं नल डाल दूंगा, कभी भी नल डाल दूंगा, मतलब क्या, लेंथ मेरा इवन ही होगा। क्यों इवन होगा? क्योंकि लेफ्ट में जितना भी होगा राइट में उतना ही होगा। सिमिलरली अगर मैं जो राइट वाले को, मैं सॉरी, अगर इफ आई विल टर्मिनेट दिस वेरिएबल यूजिंग ए सिंगल टर्मिनल, फिर क्या हुआ, ये सिंगल टर्मिनल लेंगे तो लेंथ कितना हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका लेंथ इवन था, राइट साइड में भी लेंथ इवन था, मिडिल में जो भी होगा उसमें वन डाल देंगे, मतलब एक वन लेंथ वाला कोई टर्मिनल डाल देंगे, देन टोटल का लेंथ क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि स्ट्रिंग इज ओवर द अल्फाबेट 01 स्टार, ठीक है, एंड W इक्वल टू WR। अब रिमेंबर यहाँ पे स्टार है मींस व्हाट, नल इज आल्सो ए स्ट्रिंग, ठीक है, एप्सिलॉन इज आल्सो ए स्ट्रिंग, एंड यहाँ पे बोला गया उसका लेंथ इवन है। यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, 0 एंड 1 है, तो सबसे पहले अब देखो नल भी डाला गया, मतलब क्लियरली पता चल रहा है कि जो स्टार सिंबल होगा दैट विल आल्सो जनरेट नल, क्योंकि नल भी तो एक स्ट्रिंग होगा ना इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ये स्टार सिंबल लिया मैंने एस से। अब देखो अल्फाबेट क्या है, 0 है, तो मैंने क्या बताया था, मतलब 0 1 दो अल्फाबेट मैंने बताया था, जब भी हम पैलिंड्रम की बात करते हैं लेफ्ट में जो वेरिएबल होगा राइट में भी वही वेरिएबल होगा, और मिडिल में क्या होगा, वही सेम वेरिएबल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फाबेट क्या है, 0 है तो 1 है, तो 0 के लिए पहले बनाओ 0 एस 0, ये एक प्रोडक्शन। फिर दूसरा प्रोडक्शन क्या होगा, 1 एस 1 इस ऑन नॉट। फिर थर्ड प्रोडक्शन देखो, अभी फिर नल भी जनरेट होगा बोल रहा है, मतलब एस डिराइव्स नल ही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो अगर एस डिराइव्स नल है, मतलब अब और कुछ प्रोडक्शन लगाने की जरूरत है, चेक करो और कुछ प्रोडक्शन लगाने की जरूरत है यहाँ पे, नो। क्यों नो, देखो अब देखो अब 0 जैसे मान लो कोई भी मुझे 0 से स्टार्ट करना हो तो ये प्रोडक्शन ले जाऊंगा, 1 से स्टार्ट होगा तो ये प्रोडक्शन ले जाऊंगा, फिर उसके बाद जो भी कॉम्बिनेशन आएगा एस के जगह पर हम रिप्लेस करते जाएंगे, एंड इवेंचुअली क्या होगा, एस के जगह पर जब हम टर्मिनेट करना चाहेंगे, स्ट्रिंग को फाइनली जनरेट करना चाहेंगे, उस टाइम पे एस के जगह पे हम नल डाल देंगे, ठीक है। तो एस के जगह पर जब हम नल डाल देंगे तब क्या होगा, लेंथ इवन ही रहेगा कि नहीं। जैसे देखो मान लो मैं कोई भी ऐसे मान लो 0 0 1 0 0 1 0 0 स्ट्रिंग, ये क्या है, पैलिंड्रम है ये, देखो रिवर्स करने बाद सेम आएगा, तो इसको मैं जनरेट करना चाहूंगा। देखो सबसे पहले क्या है, 0 से स्टार्ट है, 0 से, देखो ये क्लियरली दिख रहा है कि पैलिंड्रम है, क्योंकि रिवर्स करने बाद में सेम स्ट्रिंग आएगा। अब देखो इसको मैं कैसे जनरेट करूं, सबसे पहले स्टार्टिंग किससे है, 0 से स्टार्ट है, तो सबसे पहले 0 है 0 डालो, फिर 0 के बाद क्या है, अगेन 0 है, तो यहाँ देखो राइट हैंड साइड पे भी 0 0 आ रहा है, ठीक है। अब अगेन 0 डालो, मतलब ये एस के जगह पे 0 है 0 आएगा। इसके बाद क्या है, देखो 1 है, 1 है मतलब एस के जगह पे 1 1 डालोगे, देन उसके बाद देखो तो लेंथ भी चेक करना, 4 तक लाना है, अब अगेन एक और एक 0 लाना है, और एक 0 लाना है, मतलब इसके जगह पे अगेन 0 डाल दो, 0 0 1 0 S 0 1 0 0। अब देखो जितने भी टर्मिनल थे वो सब जनरेट हो चुका है,
और इवन लेंथ चाहे, ये जो इवन लेंथ का मतलब एस के जगह पर भी नॉल डाल देंगे, एस के जगह पर नॉल डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 0 1 0 0 1। क्लियर? जब भी इवन लेंथ आएगा मतलब टर्मिनेट करने टाइम पे हम नल, वी विल यूज नल, नल ले सकते हो या फिर ऐसे भी ले सकते हो। रिमेम्बर ये तो हो गया, नल पे डायरेक्ट हो गया। अगर हम कोई ऐसे भी चाहते मतलब ऐसे भी टर्मिनल लिख सकते, जैसे एस डिराइव्स ए, आई एम सॉरी, ये तो हो गया आंसर। मैं बता रहा हूँ नल के जगह पे तुम ऐसे ऐसे लिख सकते हो, 2 0s या फिर 2 1s ऐसे भी लिख सकते हो। बट रिमेम्बर यहाँ पे नल भी होना एक जरूरी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्टार लिखा हुआ है, मतलब नल इज आल्सो जनरेटेड फ्रॉम दिस गिवन ग्रामर। आई थिंक यू कैन राइट दिस लाइक दिस टू टर्मिनेट दिस थिंग। लेकिन अभी क्या होगा, हमें 3 में से आ जाए तो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, कि जब भी टर्मिनेट करना होगा एस के जगह पे मैं नल डाल दूंगा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ हो ना, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल क्या हुआ, तो यहाँ पे दूसरा वेरिएबल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे 4 कंपोनेंट्स हो गए, वी मतलब सेट ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल्स मतलब इसी ग्रामर में, यहाँ पे नल के, नल को मतलब इस तरीके से लिखा गया, वो था सेम एप्सिलॉन और नल। ठीक है, अब देखो भेज सेट ऑफ वेरिएबल कौन सा है, ओनली सिंगल वेरिएबल एस, एंड सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट कौन सा होगा, एक पे 0 एंड 1। प्रोडक्शन में क्या है, 3 प्रोडक्शन है, तब इसको एक लाइन में लिखा गया, इसलिए और सिंबल लेके यहाँ पे लिख दिया गया है। ठीक है, एंड स्टार्टिंग सिंबल कौन सा है, ऑब्वियसली इससे स्टार्टिंग सिंबल एक ही वेरिएबल है, तो वो बन गया वेरिएबल एस इज द स्टार्ट सिंबल, इनको अल्फाबेट एंड सेट ऑफ प्रोडक्शन। किसी को कुछ डाउट है पूछ सकते हो। Have you understood? Please someone inform me in the chat box so that I can proceed. Okay, I'm moving to the next slide. Clearly inspect this course. You need to write a context-free grammar. For the language that the length of W is odd. W is odd ho gaya means abhi null nahi aayega. Null string nahi aayega, null string ka length to 0 hi hoga na. ठीक है, देखो लेंथ ऑफ डब्ल्यू इज ऑड एंड द मिडिल सिंबल इज 0, तो क्या बोला गया, कोई भी स्ट्रिंग हो ठीक है लेकिन लेंथ ऑड होना चाहिए एंड मिडिल सिंबल 0 होना चाहिए। मतलब क्लियरली मुझे थोड़ा सा ये पता चल गया कि अगर लेंथ 1 आएगा देन ओनली 0 ही जनरेट होगा। देखो बोला गया है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज ऑड एंड मिडिल सिंबल इज 0, तो अगर ऑड हुआ मतलब मिडिल लेंथ सिंबल रहेगा तो मिडिल सिंबल इज 0। तो अगर लेंथ मेरा 1 हुआ तो मेरा स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग क्या हुआ, ओनली 0 ही होगा क्योंकि मिडिल सिंबल 0 है। सो एस मतलब सम डिराइव्स 0 करके प्रोडक्शन होगा। एंड उसके साथ क्या बोला गया है, हमें ऑड भी होना चाहिए, ऑड भी होना चाहिए मतलब देखो हम लास्ट में टर्मिनेट करेंगे जो भी मिडिल में आएगा वो 0, लेकिन हम लेंथ जब काउंट कर रहे हैं मतलब ऑलवेज रिमेंबर तुम्हें इस टाइप का प्रोडक्शन लेना पड़ेगा, लेफ्ट में एक प्रोडक्शन कोई भी मतलब सॉरी लेफ्ट में एक टर्मिनल, फिर मिडिल में एक वेरिएबल, फिर राइट में एक टर्मिनल, मतलब टर्मिनल मिडिल में एक वेरिएबल देन टर्मिनल, इसी टाइप का तुम्हें प्रोडक्शन लेना चाहिए क्योंकि इसी से ही ना तुम काउंट कर रहे हो कि मतलब लेंथ मतलब एटलीस्ट मतलब ये जो मिडिल वाला वेरिएबल को छोड़ के लेंथ क्या रहेगा, इवन रहेगा, सो दैट लास्ट में इसको टर्मिनेट करने के बाद लेंथ और बनेगा। ठीक है, अब जैसे देखो अब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि लेफ्ट में क्या होना चाहिए राइट में क्या होना चाहिए। अब जैसे देखो तो अगर पैलिंड्रोम बोला जाता था, पैलिंड्रोम बोला जाता तब क्या करते हम,
लेट में जो टर्मिनल डालते हैं, डाइट में भी वही टर्मिनल डालते हैं, लेकिन यहाँ पे पैलिंड्रोम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ओनली बोला गया है कि और लेंथ स्ट्रिंग होना चाहिए, और लेंथ स्ट्रिंग होना चाहिए मतलब हियर वी आर काउंटिंग द लेंथ, लेंथ काउंट कर रहे हैं, मतलब सबसे बेस्ट ये है कि और है मतलब मिडिल में हम जीरो डालना है। अब जो प्रीवियस में जो बनाए थे हमने यहाँ पे, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, यहाँ पे जो हम बनाए थे यहाँ पे जीरो जीरो क्यों डाल रहे थे, क्योंकि यहाँ पे पैलिंड्रोम का कॉन्स्टेंट था, और यहाँ पे नल क्यों डाल रहे, क्योंकि लेंथ इवन चाहिए था। अगर अगर मैं इसी को अगर थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ, अगर इसमें बोलता मतलब इवन लेंथ इवन होगा, लेकिन मिडिल में वन आता, मिडिल में वन सॉरी मिडिल में मान लो वन वन आता मिडिल में, देखो इवन में तो मिडिल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा है। अगर वन वन आता मतलब क्या करते हम यहाँ पे एच डिराइव से वन वन भी एक ऐड कर लेते। अब देखो अब यहाँ पे क्या बोला गया है, पैलिंड्रोम कॉन्सेप्ट था इसलिए यहाँ पे जीरो कॉमा जीरो डालता, लेकिन अगर कुछ भी कॉन्स्टेंट नहीं था ओनली इवन लेंथ स्ट्रिंग ही था तब इस केस में क्या डालता मैं, ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो मतलब ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वन, अर्थात जीरो एस वन जीरो एस जीरो फिर वन एस जीरो देन वन एस वन, ऐसे डालता है ना ऑल कॉम्बिनेशन, ओनली मुझे इवन लेंथ स्ट्रिंग ही जनरेट करना है तो फिर लास्ट में क्या डालता है, एक नल डालता एच डी एक्स नल करके लास्ट में टर्मिनेट करता। मतलब ईच टाइम हम क्या करते, कोई भी लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये समझ सबको क्लियर हो रहा है, पैलिंड्रोम था इसलिए हम लेफ्ट में जो डाले थे राइट में वही टर्मिनल डाले थे। यहाँ पे पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट नहीं है, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हो सकता है लेकिन लेंथ इवन लेंथ मतलब इस केस में बता रहा हूँ लेंथ इवन होना चाहिए। तब क्या करते हैं हम ये वाला कॉन्सेप्ट के साथ साथ ये वाला भी डालते हैं जीरो एस वन वन एस जीरो भी डालते हैं, ठीक है। लास्ट में नल क्यों डाले थे, क्योंकि लेंथ को इवन में सेट करना था इसीलिए। अब देखो इसमें क्या है, ऑड लेंथ होना चाहिए मतलब मिडिल में जीरो आना चाहिए, मतलब सिंगल लेंथ स्ट्रिंग हुआ तो जीरो होगा, नहीं तो फिर क्या स्ट्रिंग हो सकता है ऑड में, मतलब इसका लैंग्वेज क्या हो सकता है, जीरो 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 हो सकता है या फिर जीरो जीरो वन हो सकता है, वन जीरो वन हो सकता है, वन जीरो जीरो हो सकता है, ये फोर स्ट्रिंग होगा कि नहीं, जबकि मिडिल में जीरो होगा तो और लेंथ इवन वाला, ये सब नॉट समझ में आ रहा है, मतलब मिडिल में जीरो होना जरूरी है, बाकी राइट में कुछ भी हो सकता है राइट लेफ्ट में। सो तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चला कि मैंने देखो यहाँ पे लेंथ की जब बात करें तो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट में जो टर्मिनल अगर इवन या और लेंथ की बात आई मतलब हमेशा हमारा प्रोडक्शन फील लाइक लेफ्ट में एक टर्मिनल राइट में एक टर्मिनल एंड मिडिल में एक वेरिएबल, मतलब प्रोडक्शन के राइट पार्ट के बारे में बता रहा, लेफ्ट में एक टर्मिनल राइट में एक टर्मिनल मिडिल में एक वेरिएबल। अब यहाँ पे पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब डायरेक्ट हम प्रोडक्शन लिखेंगे। देखो देखो यहाँ पे बोला गया मिडिल सिंबल इज जीरो, मतलब अगर लेंथ वन होगा दैट इज आल्सो ऑड, मतलब इसमें क्या होगा जीरो आना चाहिए, अगर ऑड होगा तो सबसे पहले एच डी डाइव जीरो होगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब डायरेक्ट जितने भी कॉम्बिनेशन है इनपुट सिंबल का डाल दो जीरो एस जीरो देन एच डी डाइव जीरो एस वन देन एच डी डाइव वन एस जीरो देन एच डी डाइव वन एस क्लियर। ये सबको देखो ये चार प्रोडक्शन में मैं एनी इवन लेंथ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वन फाइंड कर दूंगा, ठीक है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो वन फाइंड कर लूंगा। एंड मिडिल में क्या रखना है, लास्ट में मिडिल में जीरो रखना है, ये बोला गया मिडिल सिंबल जीरो मतलब मिडिल में, देखो मिडिल सिंबल देखो यहाँ पे मिडिल सिंबल की बात आ रहा है मतलब और क्लियर होगा कि लेफ्ट में एक टर्मिनल होगा राइट में एक टर्मिनल होगा प्रोडक्शन, एंड मिडिल में लास्ट को टर्मिनेट करने के टाइम पर वेरिएबल के जगह पर जीरो डालना। अब देखो यहाँ पे एच डी एफ जीरो भी हो गया तो दिस इज योर गिवन ग्रामर, दिस इज द आउटपुट और यू कैन से आंसर। किसी को डाउट है तो यहाँ पे एक लाइन में लिख दिया गया है, सो जीरो एस जीरो और किसी और सिंबल और सिंबल जीरो एस वन वन एस जीरो वन एस वन लास्ट में जीरो। एंड यहाँ पे एग्जाम सेट ऑफ प्रोडक्शन कितने हुए, फाइव प्रोडक्शन, वेरिएबल क्या हुआ ओनली वन एंड स्टार्टिंग वेरिएबल वही एस हुआ एंड इनपुट आर्गुमेंट हुआ जीरो एंड वन। रिमेंबर स्टार था मतलब ये मैं समझना कि नल भी आएगा इसमें, ये ऑड सेटअप ऑड लेंथ स्ट्रिंग है, ऑड लेंथ स्ट्रिंग मतलब एटलीस्ट वन होना चाहिए तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड बोला गया मिडिल में जीरो मतलब एक सिंगल अगर स्ट्रिंग हुआ मतलब उसमें भी जीरो रहेगा।
क्लियर? बताओ किसी को डाउट ना, मैं क्लियर करूंगा। अदरवाइज आई विल मूव टू द नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से इसको समझ लोगे तो फिर मतलब ग्रामर कोई भी मतलब इंटरव्यू में या कहीं पर कोई पूछे देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो सर, ऐसे ऐसे नहीं हो सकता कि जो एस 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 जीरो एस एस मतलब रुको एस जीरो एस ऐसे यस सर, और एस डेराइव वन हो जाएगा एक एस एस वन एस नहीं सर, एस मतलब जो वो करता है ना एस वन को डिराइव करता है। क्या करोगे सर? एस वन और फिर एस जीरो। एस वन और फिर एस जीरो ऐसे बोल रहे हो सर? सर मतलब एस मुझे प्रोडक्शन बताओ, पहले बताओ कौन सा एस डिराइव्स को क्या होगा? एस डिराइव होगा एस जीरो एस, फिर वन हो जाएगा सर एस डिराइव वन। बस ये बोल रहे हो और एस डिराइव जीरो सर? ये इससे नहीं होगा क्या ये वाला? ना इसलिए इससे इसलिए नहीं होगा। देखो मैं इससे मतलब तुम्हें ईच टाइम ये लेंथ और राइट में स्ट्रिंग को तुम्हें फिक्स करना चाहिए। अब देखो एस जीरो एस है, मैं सबसे पहले एस को टर्मिनेट कर देता हूँ, मतलब एस जीरो वन रख लिया मैंने, एस को ये यूज कर दिया। ठीक है, अभी क्या करूंगा इसको मैं एक्सपांड करते जा रहा हूँ, वन 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 अप्लाई करता जा रहा हूँ, मतलब जैसे एस जीरो एस लगा लिया इसमें अगेन एस जीरो मिडिल में नहीं आएगा फिर वो क्या और या लेंथ तुम्हें इसी टाइप के प्रोडक्शन लेना है, मिडिल में एक वेरिएबल, राइट में सम टर्मिनल, लेफ्ट में सम टर्मिनल। अब फिर देखना है अगर पैलिंड्रम में है तो फिर जीरो जीरो एंड वन वन ये वाला ही होगा। अगर कोई भी कॉम्बिनेशन मतलब एनी कॉम्बिनेशन होगा मतलब तुम्हें चार को लेना पड़ेगा, फिर मिडिल सिंबल के हिसाब से तुम्हें सेट करना पड़ेगा। ठीक, अगर यहाँ पे मैं इवन स्ट्रिंग बोल लेता, इवन लेंथ बोल देता, इवन लेंथ लिखता मतलब यहाँ पे जीरो के जगह पे नल आ जाता। ठीक है, यस सर, समझ में आया। ठीक, हाँ दिस वन इसको अच्छे से देखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई करो, कोशिश करो। आज मैं पीपीटी भेज दूंगा, ये वन एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब ओनली तीन चार स्लाइड है ये, आई विल भेज दिस, आई विल सेंड दिस पीपीटी टू यू। क्या ये मैं फुल स्क्रीन भी नहीं किया हूँ, किसी ने बोला भी नहीं। Try to solve this. This is very easy. देखो, try to understand. यहाँ पे बोला गया है, A देखो, I equal to J हो सकता है, मतलब A length, A and B ये दोनों का मतलब सेम हो सकता है, या फिर A and C का समान हो सकता है। देखो, अब मैं बोल रहा हूँ, A देखो, सम A के बाद ही वो सम B आ रही है। ए बी मोनोटोनस नहीं आ रहा है। अब देखो अगर मैं आई इक्वल टू जे की बात करूंगा, मतलब ए एंड बी, मतलब सिंपली मुझे इस टाइम का कुछ मतलब मुझे पता चल रहा है, देखो अगर मेरा प्रोडक्शन इस टाइप का होगा ए एस बी, तो जितने बार भी मैं एस के जगह पे एस बी मतलब डालते जाऊंगा, नंबर ऑफ एस बिल बी नंबर ऑफ बीस। जैसे देखो ए के जगह पे अगेन एस बी डाल दिया तो बी भी आ गया, अगेन डाल दिया ए ए ए देन एस देन बी बी बी, ये सब ना। जब देखो
क्लियरली पता चल रहा है कि आसपास ए भी है एंड नंबर ऑफ एस के बाद नंबर ऑफ बी आ रहे हैं, उनका लेंथ सेम है, मतलब इसी टाइप के प्रोडक्शन होगा कि नहीं ऑब्वियसली, एंड लास्ट में एस के जगह पे नल आएगा, ये सिंपल प्रोडक्शन है कि नहीं। एंड इसके बाद ये प्रोडक्शन के बाद हम मतलब ये जो डेराइव होने के बाद सी मैंने रेंडमली जनरेट कर दूंगा जितना भी रेंडमली जनरेट करना है, क्योंकि बताते हैं मतलब इस केस में के साथ मेरा कोई लिंक नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखो, ये तो मेरा पहला केस हो गया। अब दूसरा केस देखो, आई इक्वल टू के, आई इक्वल टू के मतलब नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ सी समान होना चाहिए, मतलब मेरा प्रोडक्शन देखो यहाँ पे एस लिखा मतलब जरूरी नहीं कि मैं ऑलवेज स्टार्टिंग सिंबल लूंगा, दूसरा कोई वेरिएबल भी मैं लूंगा, ले सकता हूँ जैसे ए ए बी या ए एक्स बी, ऐसे भी कुछ ले सकता हूँ। ये मत समझना कि सर ए सी ले रहे हैं मतलब ए सी लेना है, स्टार्टिंग सिंबल ही डालना है, ऐसा कोई नहीं है। अब जैसे देखो ये वाला को देखो, इस वाला केस को कंसिडर करो, आई इक्वल टू के मतलब number of A's must be equal to number of C and we don't care about B इस केस। तो मतलब इसमें क्या होगा, clearly समझ में आ रहा है कि मतलब A जितने बार भी होगा S C भी रहेगा, मतलब सम ऐसे करके रहेगा कि नहीं, A X C करके रहेगा, जितने बार हम X के जगह पे replace करते जाएंगे A X C मतलब A A X C C, similarly again A A A X C C C, समझ में आ रहा है, ऐसे आ रहा है। फिर last में क्या करेंगे, अब X के जगह पे मतलब हम अगर चाहते हैं कि n नंबर ऑफ बीस चाहते हैं, जो कि बी रिलेटेड नहीं है, मैं तुम्हें बताया था n नंबर ऑफ बीस एनी कॉम्बिनेशन मतलब एनी नंबर ऑफ मतलब एक पार्टिकुलर सिंबल को कैसे जनरेट करते हैं, मैंने बताया था प्रोडक्शन किस टाइप पे लग रहा था, ऐसे कोई भी वेरिएबल इक्वल टू दैट कॉरेस्पॉन्डिंग टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल नल, याद करो मैंने पिछले क्लास में बताया था ये एनी कॉम्बिनेशन ऑफ कोई स्ट्रिंग मतलब एनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग जनरेट करना चाहते हैं, मतलब सिंपली क्या करते थे हम एक वेरिएबल लेते थे राइट में क्या करते थे उसी टर्मिनल को लिखते थे फिर उसके बाद वेरिएबल लिखते थे और नल लिखते थे, मतलब ये दो प्रोडक्शन थे कि नहीं, x derives bx and x derives null, ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं, ये मैं पिछले क्लास में बताया था, यस और नो? हेलो प्लीज सोमन इन्फॉर्म, यस सर तो मैं इसी को यूज करूंगा। देखो एनी नंबर ऑफ कोई पार्टिकुलर टर्मिनल को जनरेट करने के लिए ये प्रोडक्शन है, मतलब कोई एक वेरिएबल ले जाओ उसी टर्मिनल से स्टार्ट करो, अभी उसके बाद वही वेरिएबल रखो फिर उस वेरिएबल से टर्मिनल मतलब नल जनरेट करो, क्योंकि देखो अगर मान लो वन सिंगल बी मतलब जीरो नंबर ऑफ बी जनरेट करना है इस केस में, मतलब अगर यहाँ पे जीरो नंबर ऑफ बी जनरेट करना है मतलब आई विल यूज ओनली दिस प्रोडक्शन, अगर वन नंबर सिंगल सिंगल बी जनरेट करना है मतलब पहले इसको यूज करोगे फिर एक्स के जगह पे जीरो डाल दोगे मतलब नल डाल दोगे, ठीक है समझ में आ गया। तो अभी देखो अब मान लो टू बी जनरेट करना है, टू बी जनरेट करना है मतलब सबसे पहले बी एक्स लूंगा फिर अगेन बी बी एक्स लूंगा फिर लास्ट में एक्स के जगह पे नल डाल दूंगा, तो ऐसे मतलब एनी नंबर ऑफ बी यू कैन जनरेट, ठीक है। अब देखो इसको मैं जनरेट करूंगा, अब देखो पहले क्या बोला मैंने, अब देखो तो इसमें देखो और लिखा गया है मतलब पहले दो प्रोडक्शन होगा, तो मैंने स्टार्टिंग सिंबल से मैंने स्टार्ट किया ना, पहले मैं ना ए सी के लिए एक प्रोडक्शन बना रहा। सर एक डाउट है सर, बोलो सर, आई जब जे के इक्वल है और आई के भी इक्वल है तो आई जे के इनडायरेक्टली तीनों इक्वल ही तो है सर। नहीं नहीं यहाँ पे और लिखा गया है मतलब इधर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, दोनों हो सकता है ऐसा कुछ बोला नहीं गया है, और लिखा है देखो मतलब ये हो सकता है इधर ये हो सकता है और कोई एक हो गया तो फिर ये लैंग्वेज है। ओके सर, तब हम पहले आई इक्वल टू जे वाला बना रहा हूँ फिर आई इक्वल टू के वाला बना रहा हूँ फिर और कर दूंगा मतलब सब प्रोडक्शन एक साथ कर लूंगा। अब ए बी सी को जनरेट करना है मतलब मैंने क्या बोला, अभी देखो पहले इसको कंसीडर करो आई इक्वल टू जे मतलब इक्वल नंबर ऑफ ए बी को जनरेट करना चाहता हूँ फिर उसके बाद एनी नंबर ऑफ सी रहेगा। अब देखो ये दो पार्ट को मैं सेपरेट कर सकता हूँ, ये एक पार्ट और ये एक पार्ट, दे आर नॉट रिलेटेड, आई इक्वल टू जे हो गया सी कितना भी हो कुछ तो पता नहीं, तो मैं यहाँ पे टू वेरिएबल ले रहा हूँ, पहला वेरिएबल विल रेस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग दिस दैट मींस ए टू द पावर आई एंड ए टू द पावर जे, सो बी टू द पावर जे, सो दैट आई इक्वल टू जे, एंड सेकंड पार्ट क्या होगा
एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सी को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो मान लो सपोज ले लिया एक्स एंड वाई, टू वेरिएबल ले लिया मैंने, ठीक है। देखो टू वेरिएबल जो लिया मैंने यहां पे, देखो एक्स में तो क्या करूंगा, एक्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर आई इक्वल टू जे वाला मतलब ए बी सम निकालेगा, एंड वाई से मैं क्या करूंगा सी से निकाल लूंगा, क्योंकि यहाँ पे सेपरेटेड है, तो इसलिए मैं दो वेरिएबल लिया। वाई को मैंने क्या लूंगा, वाई विल जनरेट सी ओनली, एक्स विल जनरेट इक्वल नंबर ऑफ एस फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस, देखो। अब और इक्वल नंबर ऑफ एस में जनरेट करना चाहता हूं एक्स से, तो क्या होगा, ए क्या लिखोगे यहां पे, ऐसे ही लिख दो, जितने बार में रिप्लेस करेंगे उतने बार होता हुआ जाएगा, इक्वल नंबर ऑफ एस इक्वल नंबर बी जनरेट होगा। एंड लास्ट में देखो इक्वल नंबर बीस इक्वल नंबर ऑफ एस एंड इक्वल नंबर ऑफ बीस, मतलब ये जो मिडिल वाला क्या होगा ऑब्वियसली लास्ट में नल ही होगा, तो यहां तो क्लियर है, मतलब पहले में इक्वल नंबर ऑफ ए फॉलोड बाय इक्वल नंबर ऑफ बीस मैंने जनरेट कर दिया इसे एक्स से। अभी वाई से क्या है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सीस मुझे जनरेट करना है, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ सीस मतलब वाई इक्वल टू मतलब वाई डिराइव्स सी ले जाओ, सी फॉलोड बाय वाई देन वाई डिराइव्स नल, लास्ट कोई सी वाले को टर्मिनेट करेंगे ना, जितना भी सी चाहिए उतनी बार ये अप्लाई करते हो जाएंगे लास्ट में नल, ये सबको क्लियर हुआ, क्लियर। हेलो यस सर। तो ये मेरा हो गया आई इक्वल टू जे वाला निकाल लिया मैंने, अभी आई इक्वल टू के वाला निकालूंगा, आई इक्वल टू के वाला निकालूंगा मतलब जान लो और एक वेरिएबल मैंने ले लिया एस डिराइव्ड जेड ले लिया मैंने कैपिटल जेड, ठीक है। एंड उसके बाद क्या होगा, जेड से मैं जनरेट करूंगा आई इक्वल टू के, रिमेंबर जब आई इक्वल टू के हो रहा था बी मिडिल में कुछ आ रहा था, तो इसमें क्या था मैं सेपरेट नहीं कर पा रहा था दोनों को, मतलब देखो इसमें देखो आई ये पहले हो रहा था पी हो रहा था जो आई इक्वल टू जे केस में, तो इसलिए मैंने सेपरेट करके दो वेरिएबल ले लिया, लेकिन यहाँ पे क्या है आई इक्वल टू के लिखा मतलब नंबर ऑफ एस विल इक्वल टू नंबर ऑफ सी, मिडिल में कुछ एन नंबर ऑफ बीस आएगा, तो इसको तो मैं सेपरेट नहीं कर सकता ना मोर देन वन वेरिएबल में, क्योंकि मिडिल में कुछ आ रहा है, तो इसलिए एक्स पहले एक वेरिएबल लिया ये सिंगल, तुम लोग ये सोच रहे हो सर यहाँ से तो आप डायरेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं, अभी दूसरा वेरिएबल क्यों लिए, मैं दूसरा वेरिएबल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये इसको भी तो हमें लिखना है, पर दो केस के लिए लिखना है तो और करूंगा मतलब एक ही स्टार्टिंग सिंबल एक ही होगा दोनों का, तो अभी देखो एच डी एफ जेड कर लिया, अब देखो जेड से क्या करना है इक्वल नंबर एस एंड इक्वल नंबर ऑफ सी मिडिल में कुछ भी हो, तो मैं सबसे पहले क्या ऐसे लिख दूंगा ए जेड सी, जितनी बार भी मतलब जितना एस चाहिए हमें या फिर उसके अकॉर्डिंग सी चाहिए वो लिख लिया। अब साइमल्टेनियसली अब देखो अब यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है मतलब टोटल नल स्ट्रिंग भी आंसर एक्सेप्ट होगा, या फिर आई एंड के का वैल्यू जीरो भी हो गया तो ओनली बी भी एक्सेप्ट हो सकता है इस केस में, देखो यहाँ पे ये क्लियरली देख ही सकते नल आया मतलब नल भी आ रहा है यहाँ पे, तब देखो ये तो एक केस हो गया ए जेड आ गया। अब देखो जेड के जगह पे एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी भी आ सकता है, ये सो नॉट, अभी देखो ये तो ए एन सी नॉर्मल जनरेट हो गया और यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी है, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ओनली बी सी हो जेड में, क्योंकि उस केस में नंबर ऑफ एस नंबर ऑफ सी जीरो है, तो एनी नंबर ऑफ बीस मतलब कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा बी जेड देन जेड डिराइव्स नल, क्लियर हुआ कि नहीं बताओ, किसी को डाउट है पूछो, रवि प्रताप सर रिपीट कर दो सर, कौन से सर जो आप लिखे हो जेड इक्वल टू बी जेड, ये वाला पार्ट तो क्लियर हुआ सबको, यस सर। अब देखो यहाँ पे नल भी आया मतलब ये वाला कंडीशन भी सटिस्फाई हो गया, k is greater than equal to zero मतलब जब नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट होगा मतलब s derives x y, x derives null हो गया, y derives null हो गया तो null string भी generate हो गया, तो क्लियर है। अभी ये वाला केस देखो,
यहाँ पे बोला गया आई इक्वल टू के, मतलब नंबर ऑफ एस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, मिडिल में एल ही नंबर ऑफ बीस है। अब देखो ये एक प्रोडक्शन मैंने एस से स्टार्ट किया था, ये एक केस हो गया इसी के लिए और ये होगा दूसरे के लिए। दूसरे के लिए मतलब यहाँ पे और देखे कुछ लिखूंगा, मतलब अभी ये वाला केस जेनरेट करने के लिए मैं और एक वेरिएबल ले जाता हूँ एस डिराइव जे, मतलब एक्स वाई से क्या जेनरेट होगा आई इक्वल टू जे वाला जो ए टू पावर आई एन बी टू पावर जे जो है, या और उसके बाद सी का जो भी होगा। सिमिलरली ये वाला प्रोडक्शन क्या जनरेट करेगा आई इक्वल टू के, मतलब सेकेंड पार्ट जनरेट करेगा, दोनों का और होगा। ये समझ में आया? अभी देखो अभी जेड से क्या जनरेट हो सकता है आई के, मतलब नंबर ऑफ एस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ सी, सो मतलब ऐसे प्रोडक्शन रहेगा कि नहीं, ए फिर सी रहेगा मिडिल में एक वेरिएबल रहेगा, सब कौन सा जेड ही रेस्पॉन्सिबल, तो जेड को लिख लिया मैंने, मतलब जेड से मैं जनरेट करूंगा एनी नंबर ऑफ एस, देन मिडिल में सम बीस आएंगे, फिर एनी नंबर ऑफ सी आएंगे। अब जैसे देखो ये आई जे के ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है मतलब ये नल भी हो सकता है, तो नल भी हो सकता है मतलब जेड को नल भी रख देंगे। एंड इस केस में भी देखो इसमें बोला गया आई इक्वल टू मतलब नंबर ऑफ एस इक्वल टू नंबर ऑफ सी, तो नंबर ऑफ बीस जीरो भी हो सकता है, तो नंबर ऑफ बीस जीरो हो सकता है मतलब भाई मतलब अभी ए सी बार बार रिपीट करेंगे ए जेड सी, फिर और एक बार जेड के जगह पर ए जेड सी डालेंगे तो फिर क्या हो जाएगा सी सी, फिर जब भी हम जेड को टर्मिनेट करना चाहेंगे नल लिख लेंगे मतलब नंबर ऑफ बीस जीरो हो जाएगा। सिमिलरली जेड के जगह पे क्या हो सकता है मतलब मिडिल में एनी नंबर ऑफ बीस भी आ सकता है, और एनी नंबर ऑफ कोई टर्मिनल के लिए मैंने क्या प्रोडक्शन बताया थोड़ी देर पहले ही बताया था, सिंपली जो टर्मिनल है वो टर्मिनल को लिखो, बाद में वेरिएबल लिखो कोई वेरिएबल, फिर लास्ट में नॉल लिख दो। तो यहाँ पे देखो जेड के जगह पे एनी नंबर ऑफ बीस भी आ सकता है, तो एनी नंबर ऑफ बीस आ सकता है मतलब कैसे लिखूंगा बी फॉलोड बाई सेम वेरिएबल एंड जेड डिराइव नल। अभी क्लियर हुआ कि नहीं? Yes, sir. This will generate any number of B's. B, Z, Z के जगह जितनी बार B, Z डालोगे, that means number of B's आएगा. Last में जब terminate करना चाहोगे, Z derives null लिख लोगे. रवि प्रताप, समझ में आया? Yes, sir. Yes. तो फिर अभी production मेरा क्या होगा? बताओ. Simply क्या करेंगे? देखो. एक ही प्रोडक्शन लिखेंगे मतलब देखो एच डी एफ एक्स वाई एक्स डी एफ जेड, मतलब इसको इरेज करके यहाँ पे और सिंबल लिख के मैं जेड भी लिख सकता हूँ, सब तो लिख रहा हूँ, फिर एक्स डी एफ एक्स भी है, फिर एक्स डी एफ नल भी है, तो यहाँ पे नल भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको हटा दूंगा। सिमिलरली एक्स डी एफ सी वाई है, फिर सॉरी वाई डी एफ सी वाई, वाई डी एफ नल, मतलब ऐसे एक लाइन में लिख सकता हूँ मैं। Now, H derives Z तो चला गया, J derives A Z Z, तो इसको भी लिख दो यहाँ पे, J derives A Z C, then null भी है मतलब null एक अलग से लिख दो, ठीक है? देखो, इसमें और एक केस मैंने भूल गया, अब देखो, जो S J derives A Z C था मैं अगर यहाँ पे जेड डिराइव्स बी जेड लिखूंगा तब क्या होगा, मैं चाहूंगा कि जेड को मैं ऐसे बी जेड भी लिख सकता हूँ, एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब बीस में लिख सकता हूँ, अगर मान लो मेरा नंबर ऑफ एस एंड नंबर ऑफ बीस मेरा मान लो मतलब ये जो जेड इक्वल ए जेड सी था ऐसे तुम लिख सकते हो, या फिर तुम अगर चाहोगे कि जो जैसे यहां से मैंने स्टार्ट किया एंड मेरा बी का है मान लो नंबर ऑफ बी से नल, मतलब ट्राई टू विजुअलाइज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ मतलब ये वाला जो है एनी मतलब एनी नंबर ऑफ एस फिर एनी नंबर ऑफ सी होगा बीच में एनी नंबर ऑफ बी, ये जनरेट हो पाएगा इससे, इसे विजुअलाइज करके बोलो बताओ। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ पूछो। सर इसमें तो जैसे सेकंड वाले आप में यही बोला ना आई इक्वल टू के, तो सर इसमें तो ए और सी कर दिया सर आपने और फिर बी को एक्सपेंड करते गए हो, हाँ। तो सर जरूरी थोड़ा ना ए और सी एक ही हो, मतलब ज्यादा भी तीन तो हो। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, वही मिस्टेक है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसमें देखो एक चीज मेन पॉइंट देखो,
अब अगर मैं पहले बी जेड को डाल दिया, अगर मैं यहाँ पे पहले जेड इक्वल टू बी जेड लगा लिया, कैसे हो गया? अब मैं जेड के जगह पे ए जेड सी लगा सकता हूँ, ये समझ लो। तो बी जेड के जगह पे ए जेड सी लगा लूंगा, मतलब क्या हो जाएगा, जेड ए जेड सी आ जाएगा, ये समझ लो। यस सर, यस। तो इसीलिए ये वाला हम डायरेक्ट जेड से नहीं ले सकते, ये समझ लो। तो इस केस में हम क्या करेंगे यहां पे बताओ, इस केस में हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, जेड के लिए मतलब बी के लिए हमें एक अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा। अलग वेरिएबल मतलब कोई भी ले जाओ। अब क्या है, एक्स वाई जेड गया, अब क्या है, एक्स वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू या यू कोई भी ले जाओ। मान लो ये, मान लो यू ले जाते हैं हम, देखो ये क्लियर हुआ, ये ए नंबर ऑफ सीज क्लियर हुआ, एंड जब भी हमें नल करना था नल कर दिए। अभी हमें जेड के जगह पे एनी नंबर ऑफ बीस निकालना है, एनी नंबर ऑफ बीस निकालना है मतलब, अब अगर यहाँ पे जेड से हम डिराइव कर देते तब ये वाला केस आ रहा था, जिससे कि क्या हो रहा था, जो मतलब बी के बाद हम ए जेड सी ऐसे कुछ निकाल दे रहे थे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा जो दैट विल रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग द नंबर ऑफ बीस। ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे, जेड इक्वल टू यू ले जाएंगे, फिर यू विल रेस्पॉन्सिबल मतलब जब भी हम जेड के जगह पे यू डाल देंगे मतलब वो आगे ए और सी जनरेट नहीं करेगा, ओनली बी जनरेट करेगा। सो यू के जगह पे क्या लिख देंगे, बी जेड, एंड सॉरी, अब अगर यू यूज करके हम एनी नंबर ऑफ बीस जनरेट कर रहे हैं मतलब क्या लिखेंगे, यू इक्वल टू मतलब यू डिराइव्स बी यू, देन यू डिराइव्स नल। ये सबको क्लियर हुआ? नाउ दिस इज द फाइनल आंसर। क्योंकि जब हमने बी जेड लिखा था उस टाइम भी क्या हो रहा था, बी के बाद भी हम ए बी सी डाल रहे मतलब ए सी ला पा रहे थे, तो इसीलिए उस प्रोडक्शन को हम हटाएंगे। क्लियर हुआ ये सबको? तो इस केस में क्या होगा, देखो एस डिराइव्स एक्स वाई जेड हो गया, अब एक्स डिराइव्स ए एक्स बी हो गया, नल हो गया, ये तो हो गया था पहले। अभी देखो जेड डिराइव्स ए जेड सी नल था, अभी क्या होगा, और एक जेड डिराइव्स यू था मतलब यहाँ पे यू भी रहेगा, फिर यहाँ पे क्या लाओगे, नीचे यू डिराइव्स बी यू, देन यू डिराइव्स नल। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ सबको? सर एक मिनट पीछे करना सर, पीछे करिए स्लाइड को, मतलब तो इरेज कर दिया, आई एम सॉरी। ओह मतलब कहाँ पे डाउट है पता, मैं क्लियर कर लूँ सर। जो वो था ना सर जेड, वो यू वाला जो था ना सर आपने लिखा था, हाँ हाँ, तो सर उसको सर जैसे पहली वाली इक्वेशन जेड वाली में रखेंगे, हाँ, तो उसमें सर वो एक तरफ मतलब ए तो एक्सपेंड नहीं होगा ना, बाकी तो बी और सी एक्सपेंड होते जा रहे हैं पहले वाले जो एच डिराइव्स एक्स वाई था, दूसरे वाले में एच डिराइव्स जेड था, फिर जेड डिराइव्स क्या था, ए जेड सी था, यस और नॉट? यस सर। फिर अभी देखो जेड से क्या, जेड के जगह पे हम बी जेनरेट कर सकते थे, तो जेड के जगह पे बी जेनरेट कर सकते मतलब यहाँ पे बी जेड लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर पहले ये वाला अप्लाई कर देंगे तो जेड के जगह पे ए जेड सी करके हम कुछ भी डाल सकते हैं बी के बाद, तो इसलिए जेड से दूसरा वेरिएबल लेके हम बना सकते हैं कि नंबर ऑफ बी हम जनरेट कर पाएंगे उससे। यस सर, आपने जेड बराबर वो यू भी तो लिया था सर अलग से, हाँ, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेटिंग ओनली बी। ठीक है, मैं क्लास क्लोज कर रहा हूँ, आज मैं एक एक्स्ट्रा क्लास लगाऊंगा ऑनलाइन का, उसमें रिपीट कर दूंगा इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। आज शेड्यूल पूरा पैक है ना सर? कहाँ पैक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू, आई विल क्लियर दिस इन द नेक्स्ट क्लास।